तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे ये डिजिटेक की ओर से आने वाली ये वायरलेस माइक की ओर माइक के बारे में, जिसका मॉडल नंबर है DWM001। ठीक है, इसके बारे में बात करें क्या ये बोया से अच्छा है या फिर बोया लेना चाहिए, क्योंकि इसका प्राइस बोया से 100 रुपये कम है और ये दो दो टाइप में आता है, एक टाइप USB एक लाइटनिंग। तो जब मैंने ले लिया उसके बाद मेरे को पता चला कि लाइटनिंग में भी आता है अलग से, बट इसमें आप कनेक्टर लगा के सारा कुछ यूज कर सकते हो, USB टाइप सी लाइटनिंग सारा कुछ। ये टाइप सी है, सॉरी ये टाइप सी है। उसके बाद पहले हम लोग अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, उसके बाद देरी मिलते हैं, फिर मैं इसका रिव्यू बताऊंगा कैसा है क्या है नहीं है, बोया से अच्छा है या बोया से खराब है, जो बोया का मैंने लास्ट वीडियो में मैंने किया था रिव्यू। और अभी मैं सो के उठाऊँ पूरा फुला फुला सा लग रहा है। तो ये रहा डिजिटेक का जो माइक्रोफोन है उसका बॉक्स। तो पहले बॉक्स का बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2.4 GHz रेडियो फ्रीक्वेंसी मेंशन है, जो कि अच्छी बात है। 10 मीटर तक इसका कनेक्शन का ये गारंटी करते हैं। 4 घंटे मतलब 4 आवर्स का जो है इसका बैटरी बैकअप का वो गारंटी करते हैं डिजिटेक, वो तो हम चेक कर लेंगे। और टाइप सी कनेक्टर इसमें मिलेगा और इसका मॉडल नंबर है DWM001। ठीक है, साइड में भी बन रखा है कि क्या क्या इसमें है, लाइक LED है, बटन एंड ऑल। पीछे भी बहुत कुछ मेंशन है इसका, क्या क्या इसका पावर कंजम्पशन, रिसीवर फ्रिक्वेंसी एंड ऑल। ठीक है, अभी हम इसको ओपन करते हैं। तो ओपन करना इजी, इधर से हम लोग निकालेंगे। तो ये रहा, पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या मिलता है इस बॉक्स में। नाखून गंदे हो गए, काटना पड़ेगा। एक केबल मिलता है एंड नीचे क्या है, पुस्तक है। और काफ़ी अच्छा एक पॉच दिया इन्होंने, जो कि अच्छी बात है, जो बोया में नहीं मिला था। और एक विंड के लिए दिया है, जो कि विंड नॉइज़ को रिड्यूस करते हैं। और एक पुस्तक, एक लेटर। ठीक है, तो अभी हम लोग आ जाते हैं मेन प्रोडक्ट में। तो यह है इसका माइक और यह है रिसीवर। और बात करें बोया से, तो इसका बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, लाइक बोया ठीक है बट इसका बिल्ड क्वालिटी मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। बस एक चीज़ देखना है कि इसका क्वालिटी कैसा है। बोया से अगर अच्छा रहा तो फिर बढ़िया है, नहीं अच्छा रहा तो फिर कोई बात नहीं। बट जो एक क्वेश्चन होता है, इसको लगाए कैसे, ओपन करने का कुछ दिया होगा, वो मैं चेक करके बताता हूँ आपको। तो ये रहा इसका अनबॉक्सिंग, अभी आते हैं मेन वीडियो। तो इस वाले जो अभी जो आप आवाज सुन रहे हो, इस वाले माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहले बात तो इसकी बिल्ड क्वालिटी का, इसका बिल्ड पूरा प्लास्टिक आप देख सकते हो और बोया से काफी ज्यादा अच्छा इसका बिल्ड क्वालिटी है। सामने का आपको इंडिकेटर मिलेगा, जब कनेक्ट होगा तो ये पूरा रेड शो करेगा। साइड में चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, पीछे की ओर एक बटन मिलेगा जिससे ये ऑन ऑफ होते हैं। क्लिप है, वो भी बोया से अच्छा क्वालिटी और अच्छा है। इसका बिल्ड जो है प्लास्टिक का, बहुत रिसीवर एंड माइक का दोनों ही बोया से ज्यादा अच्छा है। और बात करते हैं इसका बैटरी बैकअप पे, तो बोया पे तो ऐसा कुछ 4 घंटे लिखा नहीं था, लेकिन कहीं पे लिखा था लाइक 2-3 घंटे ऐसा कुछ, बट यहाँ पे लिख रखा है 4 घंटे का बैटरी बैकअप ये क्लेम करता है। बट अभी मैंने क्या बताऊँ आपको, मैं अभी लाइक ऑन करके सो गया था लाइक 3 घंटे के लिए, इसको माइक को ऑन करके, जस्ट माइक को ऑन करके, रिसीवर ने माइक को ऑन करके 3 घंटे के लिए सो गया था। तो अभी मैं उठा, अभी भी ऑन, अभी मैं सही शूट कर रहा हूँ, तो 3 घंटा तो अभी तक तो ऑन तो था। देखता हूँ कैसा बैटरी चलता है, मैं ऑन ही छोड़ दूंगा इसको 4 घंटे तक, देखता हूँ कितने देर तक ये ऑन रहता है। बाकी इसमें और कुछ कुछ मेंशन, लाइक 2.4 GHz रेडियो फ्रिक्वेंसी भी काम करता है, उसका इस पर 10 मीटर का रेंज दिया इसका सपोर्ट का, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी वो भी पता लग जाएगा जब मैं आउटडोर में जाऊंगा। और इसके साथ एक पॉच भी आता है, जो कि क्यूट सा छोटा सा, इसमें कैरी करने के लिए वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और बात करें इसके साउंड माइक क्वालिटी की, तो मैं फैन अभी ऑन है, जस्ट फैन के नीचे बैठा हुआ हूँ, और आप पता लगा सकते हो कैसा इसका आवाज़ है। और नॉइज नॉइज बोया वाले में क्या था कि आपका आवाज थोड़ा सा लाइक हीजी, थोड़ा सा नॉइजी, नॉइजी नहीं तो फटा आवाज सा आवाज आ रहा था, बट इस वाले में आवाज पूरा क्रिस्टल क्लियर है। मैंने पहले इसको देख लिया था, इसको रिकॉर्ड करके इसका आवाज सुन लिया था, तो कहीं ना कहीं मेरे को बोया से बहुत ज्यादा अच्छा लगा। डिजिटेक का जो आउटपुट है माइक का, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा, इससे 100 रुपये कम में भी आ रहा है आपको। और डिजिटल कहीं ना कहीं एक अच्छा ब्रांड है, एक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की तो साइड। अभी हम आ गए हैं रोड पे और थोड़ा बहुत गाड़ी वाड़ी जा रही है, तो भैया पता लगा सकते हो कैसा इसका जो नॉइज कैंसिलेशन है वो है। ठीक है, यहाँ पे कोई भाई भाई बोल रहा है। ठीक है गाइस, ये छोटा सा माइक के बारे में मैंने बहुत कुछ अभी तक इस वीडियो में बता दिया है, अभी और कुछ ऐसा बचा नहीं है जो कि बताने लायक है। हाँ, एक चीज और बताना था, इस वाले माइक में जो है वो पहले से ही आपको एक मिल जाता है गाइड,
जिस पे दे रखा है कि अगर आपको ये माइक यूज करना है तो आपको इसको स्कैन करके जो ऐप है जो कि नाम है ओपन कैमरा वो डाउनलोड करना है, और कैसे कैसे करना है यहाँ पे बता रखा है कि पहले आपको जाना है कैमरे सेक्शन पे, उसको सेटिंग पे जाना है, नीचे स्क्रॉल करके वीडियो सेटिंग पे जाना है, फिर नीचे स्क्रॉल करके जाना है आपको ऑडियो सोर्स पे, वहाँ पे जो एक्सटर्नल माइक पे क्लिक करके बैक आ जाना है, फिर वो ये जो माइक है वो काम करेगा। ये सेटिंग मैंने पिछले बोया वाले वीडियो में बोल रखा है मैंने, उसमें कोई ये ऐसा पेपर ऊपर नहीं दिया था कि आपको ओपन कैमरा में सपोर्ट करेगा, बट इस वाले में दे रखा है अलग से कि ओपन कैमरा डाउनलोड करो फिर ये सब फोन में सपोर्ट करेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।